हाय गाइस, आज मैं अपने कुएं का रिपेयरिंग दिखाने जा रहा हूँ। कुएं का रिपेयरिंग कैसे किया जाता है जो आप लोग देख सकते हैं, मतलब दोबारा कैसे लगाया जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे लगाया जाता है, कब से कम देख सकते हैं। इसमें खटिया लगा के नीचे इसको डोली की तरह नीचे लिफ्ट की तरह नीचे किया जाता है और धीरे धीरे ये कुआँ नीचे की ओर पैसा होते हुए चले जाता है। कुएं की जमीन पैसा होती है और देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे कुआँ है। देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि कुआँ कितना दूर नहीं है, तो कैसे इसको रिकॉर्डिंग किया जा रहा है तो आप लोग को दिखा के देखने के लाइक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और प्लास्टर कैसे किया जा रहा है देख रहे हैं, देखने में मिस्त्री का ही टैलेंट है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह किया जा रहा है। अगर मिस्त्री के पास हिम्मत ना रहे तो कुआं का रिपेयरिंग नहीं कर सकता, प्लस्टर मरम्मत नहीं कर सकते हैं। कुआं का प्लस्टर करना ज़रूरी है। इतने पैसे लगा के बनाए हुए कुएं का प्लस्टर नहीं कीजिएगा तो कुआं बेकार हो जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए बहुत घातक कर सकता है, कुएं भी हो सकता है। तो ये मेरे दिखाने का ये उद्देश्य है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं दीवार को सीखे होता है, मिस्त्री के कारण सीखे वो कैसे रिपेयरिंग करे, मरम्मत कैसे करे, प्लस्टर कैसे कर रहे हैं, वो आपको देखने के लिए मिल रहा है और सीखने के लिए भी मिल रहा है। सीखेगा देखिएगा तभी तो आपको जानकारी होगा कि हाँ किस तरह कैसे कैसे किया जाता है। बहुत सारे आदमी लोग को दिमाग में नहीं आता है कि कैसे कुआँ प्लस रिपेयरिंग किया जाए, पर आपको देख को भी मिलेगा देखने के लिए कि हाँ कैसे करें कैसे करें क्या करें, वो आपको मिल रहा है देखने के लिए। देख के काफ़ी सीखने को भी मिलता है कि हाँ किसी देख के हाँ सीख रहे कितने। और लाइक और सब्सक्राइब करो, देखना ना भूलो भाई।